नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आज अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग एक ऐसे जिलों को कवर करने जा रहे हैं जिसकी जो बॉर्डर है वो नेपाल से मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीलीभीत के ऊपर, पीलीभीत जिले के ऊपर, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पीलीभीत जो जिला है वो उसका बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है वो। और उसका अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो वो साउथ ईस्टर्न मोस्ट ऑफ यूपी के लोकेटेड है, ठीक है। और पहली बात तो ये बरेली जिले का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ये अपना इंडिपेंडेंट जिला बन गया। लेकिन अभी भी जो उसका डिवीज़न है वो बरेली डिवीज़न के अंदर आता है। एक फैक्ट और है बरेली के बारे में, इसको द लैंड्स ऑफ फ्लूट्स कहा जाता है या फिर बांसुड़ी नगर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पीलीभीत जो है वो फॉरेस्ट रिच एरिया है पूरे यूपी का, ठीक है। अप्रॉक्स 23% जो पीलीभीत का एरिया है वो फॉरेस्ट कवर करता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बैम्बू काफ़ी ज़्यादा होता है और उस बैम्बू से फ्लूट्स बनते हैं। तो जो भी इंडिया में 95% जो फ्लूट्स की सप्लाई होती है ऑल ओवर इंडिया वो यहीं से होती है। और एक ऐसी मान्यता है कि जो पीलीभीत है वहाँ से जो रिवर गोमती है वहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट ना करते हम लोग बात करेंगे इसकी ज्योग्राफिक रीजन की। तो जैसे हम लोग पीलीभीत से इंटर करते हैं तो पीलीभीत के चारों तरफ कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर पीलीभीत सेंटर में तो उसके आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पड़ेगा उधम सिंह नगर जो कि उत्तराखंड का पार्ट है, और कुछ टेरिटरी वहाँ पे नेपाल की पड़ेगी, ठीक है। अगर आप साउथ में जाते हैं तो साउथ में पड़ेगा शाहजहाँपुर, अगर आप वेस्ट में जाते हैं तो आपको पड़ेगा बरेली, अगर आप लोग ईस्ट में आते हैं तो पड़ेगा लखीमपुर खीरी, ठीक है। इतनी बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। अगर हम यहाँ की बात करें एरिया की तो एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है, एरिया यहाँ का है 68 किलोमीटर पर स्क्वायर का, लेकिन एरिया के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसकी पॉपुलेशन है 2 लाख के आस, 2 लाख एक्चुअल फिगर आपको बगल में लिख के आ रही होगी, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग की जो कितना एरिया फॉरेस्ट का है पीलीभीत में, ठीक है। तो पीलीभीत में जो फॉरेस्ट का एरिया है वो 784 किलोमीटर स्क्वायर का है टिल 1978 तक, ठीक है। और उसमें से 63% जो एरिया था उसमें डेंस फॉरेस्ट, मतलब बिल्कुल घना जंगल था, लेकिन बट डिफॉरेस्टेशन की वजह से 2002-2004 आते आते तक केवल 22.39% घने जंगल का एरिया बचा हुआ है। और यहाँ पे एक एस्टिमेट और है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था, ये एस्टिमेट ये था कि वहाँ पे 45.28% जो पीपल हैं, जो वहाँ की पॉपुलेशन है, वो गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यापन कर रही है, ठीक है। और उस पीलीभीत एरिया में जितना आपको विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हुआ है इस टाइम पे। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, और यही सब है, मतलब उतना विकास नहीं हो पाया है। अगर हम बात करते हैं वहाँ पे कैनाल की तो वहाँ पे एक शारदा कैनाल है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 138 किलोमीटर की, और उसमें और सारे कैनाल हैं जो कि मिल जाती हैं मेन कैनाल में आके, ठीक है। अगर हम यहाँ की बात करें डेमोग्राफी की, थोड़ी लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं तो देखिए लिटरेसी रेट उतना कुछ खास नहीं, यहाँ का बहुत ख़राब लिटरेसी रेट है। पूरे देश का जो लिटरेसी एवरेज लिटरेसी रेट है वो 74% है, लेकिन जो पीलीभीत का लिटरेसी रेट है वो 64% है, 63.58% के आसपास का लिटरेसी रेट है। तो जो नेशनल इनकम का लिटरेसी रेट है उससे भी कम है ये लिटरेसी रेट। तो आप समझ सकते हैं वहाँ पे मतलब कितनी समस्या है, कितने लोग अभी भी जागरूक नहीं है अपने क्षेत्र को लेकर, अपनी कोई आवाज़ नहीं उठा पाते हैं क्योंकि वो वेल एजुकेटेड नहीं है, वेल क्वालिफाइड नहीं है, ठीक है, अपनी बात रखने में और अपनी बात किसी को समझाने में। अब थोड़ी हम बात कर लेते हैं एक और फैक्ट है वहाँ पे जो 14.58 पॉपुलेशन ऐसे बच्चों की जो जिनकी उम्र 6 साल से कम की है। अब बात कर लेते हैं वहाँ पे हिस्टोरिकल फैक्ट की, तो जो पीलीभीत लोकल्स लोग हैं उनका ये मानना है कि वहाँ पे जो पीलीभीत पे जो लोकल एक राजा हुआ करते जिनका नाम था मयूर ध्वज या फिर मोर ध्वज, जो कि लॉर्ड कृष्णा के काफ़ी बड़े डिवोटी थे, काफ़ी बड़े भक्त थे और अर्जुन के काफ़ी अच्छे मित्र थे, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए फिर जब हम ब्रिटिश रूल की बात करते हैं तो जो ब्रिटिश रूल में जो बरेली डिस्ट्रिक्ट थी, जो बरेली था उसमें जो सिटी थी पीलीभीत, वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट काम करती थी, ठीक है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट काम करती थी। और उस टाइम पे जो मुगल के एक सूबेदार थे मोहम्मद आदिल खान, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की को देखते हुए वहाँ पे 4 दरवाजा बना के रखे हुए थे, 4 दरवाजा बनाए थे। एक था हुसैनी दरवाजा, एक था दक्षिणी दरवाजा, एक था बरेली दरवाजा और जहानबाजी दरवाजा, ठीक है। लेकिन इनके प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से ये सारे दरवाजे खराब हो गए, टूट गए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है पीलीभीत के बारे में हिस्टोरी बताने, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। तो अब हम बात करते हैं वहाँ पे एक मेन चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइगर रिजर्व, ठीक है, बरेली और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ऑल ओवर इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से एक पीलीभीत में है। तो यहाँ पे देखिए
पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है उसमें कई सारे कई प्रकार के टाइगर तो हैं ही और भी काफ़ी सारी स्पीसीज हैं। पीलीभीत अधिकतर न्यूज़ में रहता है कि जो भी टाइगर है वो थ्रेट करते हैं ह्यूमंस की लाइफ को, ठीक है, काफ़ी लोग काफ़ी ह्यूमंस को ये नुकसान करते, काफ़ी लोग को मार देते हैं और जो भी एनिमल्स होते हैं गाय भैंस उनको भी मार देते हैं, तो इनकी वजह से भी पीलीभीत काफ़ी न्यूज़ में रहता है। एक डेटा के अनुसार 2016 से 2017 के जो ईयर था उस टाइम पे 38 टाइगर थे पीलीभीत में। 2017 से 2018 के डेटा के अनुसार वहाँ पे 45 टाइगर हो गए थे, बढ़ गए थे, 38 से 45 हो गए थे, और 2018 से 2019 में वहाँ पे 58 टाइगर्स हो गए थे, ठीक है। तो इंतजाम काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक बात वही है पीलीभीत को काफ़ी माइनॉरिटी और गवर्नमेंट ने रखा हुआ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड जिले के अंदर आता है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में पीलीभीत का विकास हो सकता है, पीलीभीत का विकास होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलपमेंट होगी ताकि वहाँ पर लोग शिक्षित हो जाए, अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम हो जाए, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ था नहीं पीलीभीत के बारे में बताने के लिए, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको उतना बताने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।